हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्विक इजी स्नैक्स रेसिपी, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, क्रीमी है और ऊपर से बहुत क्रंची और टेस्टी है। तो चलिए आज इसी रेसिपी को हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। अगर छोटी मोटी पार्टी आपने घर में रखी है तो इस तरह की स्नैक्स देखने में तो अच्छी लगती ही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो जल्दी जल्दी से अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉइल्ड पोटैटो ली है, उबले हुए आलू ले ली हूँ मैं, जिसे एक ग्रेटर की हेल्प से मैं सारे को ग्रेट कर लूँगी। आलू हमने ग्रेट कर ली है, तो अब इसमें हमें डालना है हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स ऑरिगैनो, ग्रीन कोरिएंडर है, हरी धनिया की पत्ती को क्रश करके डाल दी है काट कर, और डाल दी हूँ स्वीट कॉर्न चीज़, ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी गर्मी की वजह से तो हम डाल दिया इसमें चीज़, कॉर्न फ्लावर डाल दी है और डाल दी हूँ थोड़ी सी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और थोड़ी सी क्रीमीनेस के लिए बटर डालिए, ज़्यादा बटर मत डालिए, थोड़ा सा लेकिन डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक डो की शेप देनी है, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और सारे फ्लेवर आपस में जुड़ जाए। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर ली है, लेकिन इतना मुझे एक ही बार में नहीं बनानी है, तो इसे मैं हाफ हाफ में डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ दो ब्रेड, यानी कि फ्रेश मैं इसमें बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आधी तो हमने निकाल के रख ली है और आधी में मैं ये दो ब्रेड क्रम्स डाल दी हूँ। और ये इसलिए की हूँ कि अगर आपको एक ही बार नहीं बनाना है तो ऐसे ही कीजिए, और इससे क्या होगा कि जो आपकी जो नगेट्स बनेगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। फिर जब आप दूसरी बैच को बनाएंगे तो उस टाइम भी आप उसमें ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर सकते हैं। अब चॉपिंग बोर्ड में मैंने लगा ली है थोड़ी सी ऑयल, और इस पर जो हमने मिक्सर तैयार की है इसे रोल कर लूँगी, अच्छे से सेक लूँगी। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए, ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना बचे। अगर क्रैक्स बचेगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाती है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें क्रैक्स ना हो। अब एक या डेढ़ इंच के टुकड़ों में आप इसे कट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब जो सेवैयाँ होती है उसको मैंने बारीक बारीक तोड़ ली है, देखिए काफ़ी बारीक कर ली है मैंने, और इसके ऊपर हल्के हाथों से कोट कर देंगे, बहुत ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से कोट कर देंगे। ये देखने में अच्छी लगती है और एक तरह से इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, और इसे एक क्रंचीनेस भी देती है। तो इसी तरीके से सारे नगेट्स को मैंने कवर कर ली है, और अब ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, ऑयल अच्छी गर्म होनी चाहिए, कम गर्म ऑयल में अगर आप डालेंगे तो बहुत ही चुई हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी आपकी नगेट्स। तो थोड़ी सी ऑयल को गर्म रखिए, और इसमें मैं डाल दूंगी सारी नगेट्स। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक एक करके मैंने नगेट्स डाल दी है, बारी बारी से इसे पलट लेंगे, और देखिए बहुत क्विक और ईजी है। अगर आपके घर में पार्टी है तो एक दिन पहले ही आप इसको इस तरीके से तैयार करके रख सकते हैं, और जब गेस्ट आए तो बस क्विक इसको आप फ्राई कर लीजिए और सर्व कीजिए। इसे आप एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। एक टिश्यू पेपर पे मैं इसे निकाल रही हूँ, ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो अब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए हमारी सारी नगेट्स फ्राई हो चुकी है, अब इसे हमें सर्व करनी है। तो मैं इसमें इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप पेरी पेरी सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह की नगेट्स आप भी बनाइए, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। इसे अगर ऑयल में फ्राई ना करें तो ये हेल्दी ही रहेगी। आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक